ये मैंने डाल दिया घी। अब इसमें जाएगा ये डेसिकेटेड कोकोनट। एक्चुअली इतना पूरा मुझे बर्फी के लिए नहीं लेना है, तो मैं हाफ इसको हटा रही हूँ, निकाल के रख रही हूँ केक के लिए। ये जाएगा मेरे अगले डिश में। तो इतने से मैं बनाऊँगी बर्फी। अब इसमें जाएगा शुगर। अब मैंने ऑलमोस्ट एक कप दूध लिया है, उसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर। ये दूध पूरा एब्जॉर्ब होने तक हमें इसे पकाना है। ये अभी दूध एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये अभी एक मैं बॉल में ले लूंगी। ये दोनों मैंने मिक्स कर दिया है। इक्वल प्रोपोर्शन में नाचनी और मूंग लिया है मैंने, और इसको ओवरनाइट सोक करेंगे। एक बार इसको वॉश करके इसका पानी फेंक देंगे, और फिर ये हल्का सा फूल के आया है मूंग हमारा, इसको डाल देंगे मिक्सर के जार में। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने। अब अगला इसमें जाएगा ये नारियल, सॉल्ट, ये छोटा सा एक ओनियन डाल दिया मैंने। अगला जाएगा ये ग्रीन चिली। ये बनके तैयार है हमारा पिसा हुआ मिक्सचर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। ये एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी में है, एकदम डोसा का बैटर जैसा बन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बॉल गेहूं का आटा, अच्छे से करेंगे मिक्स। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स होके रेडी है। ये एकदम कुक होके रेडी है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गया एकदम। अब हम इसे डालेंगे मिक्सर में। अब इसमें हम डालेंगे ये पनीर के क्यूब्स, इसको फिर से पीस के निकालेंगे। ये पीस के रेडी है पनीर के साथ। अब इसमें हम अगला डालेंगे मिल्क पाउडर, ऑलमोस्ट 2 चम्मच मैंने डाल दिया मिल्क पाउडर। देखिए जो रेड कलर है। अब हम डालेंगे इसमें बटर, ये डाल देंगे इसमें मिक्सचर हमारा कैरेट और बीटरूट का। अब इसमें डालेंगे शुगर, मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया है। फ्लेम को हम थोड़ा कम करेंगे। अभी हमें डालना है इलायची पाउडर।